आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है हाईवे स्टाइल बलोची कढ़ाई। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बलोची कढ़ाई बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो ये है। सबसे पहले हम यहाँ हाफ के जी हमने चिकन ले लिया, जिसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्ची ले ली है, जिसे कहते हैं। 1 टी स्पून हमने जीरा पाउडर लिया है। 1/4 टी स्पून हमने हल्दी ली है। 1/4 टी स्पून हमने काली मिर्ची ली है। 1/4 टी स्पून काली मिर्ची, 1/4 टी स्पून गरम मसाला, 1/2 टी स्पून नमक, 5 बड़ी हरी मिर्ची ले ली है, और हरा धनिया हमने लिया हसबे जरूर। हसबे जरूर हमने अदरक ले लिया, जिसे हमने जूलियन कटिंग में काट लिया है। 3 अदरक हमने मीडियम साइज के टमाटर ले लिए, जिसे हमने स्लाइस काट लिया है टमाटर के। 1 टेबल स्पून अदरक, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लेमन जूस। ये चीजें तो ये चीजें चाहिए हमें बलोची कढ़ाई बनाने के लिए। चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने पोट लिया, इसके अंदर हमने 1/4 कप हमने उसमें ऑयल डाली, वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। उसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ हमने चिकन ऐड कर दिया और वो अच्छी तरीके से, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तक हमसे, माशाल्लाह माशाल्लाह हमने इसमें चिकन डाल के 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लिया। इसका कलर चेंज हो चुका है। उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे हम। अब इसको भी अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ने अदरक लहसुन डाल के इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लिया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए, इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ने 10 से 12 मिनट तक इसे कवर करके रख दिया था। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन भी हमारी टेंडर हो चुकी है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर के पानी में अच्छी तरीके से चिकन टेंडर हो चुकी है। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना आपने, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। अब हम उसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। उसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे, जीरा पाउडर, हल्दी, काली मिर्चें, गरम मसाला और नमक, ये सारी चीज़ें हम एक साथ ऐड कर देंगे और से अच्छी तरीके से 5, क्योंकि हमारे चिकन के अंदर ये मसाला रस बस जाए, अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी। 2 से 3 मिनट तक हम इसी मसाले के साथ अच्छी तरीके से कुक करेंगे इस चिकन को। हमने इसमें 5 मिनट तक अच्छी तरीके मसालों के साथ भून लिया। इसके अंदर हम लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस हमने इसको ऐड कर दिया और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से और कुक करेंगे। इसके अंदर हमने लेमन जूस डाल के 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लिया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, हमने इसमें लेमन जूस डाल के 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया था। उसके हम ऐड करेंगे अदरक बारीक कटी हुई, क्योंकि इससे कढ़ाई का बहुत अच्छा लुक भी आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। उसके अंदर हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, जिसे हमने कट लगा लिया है। और इन सारी तमाम हरी मिर्च के अंदर हमने बीच में से कट लगा लिया, इसमें ऐड करेंगे सारी की सारी, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इससे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे हम, क्योंकि हमारी बलोची कढ़ाई हाईवे स्टाइल है। बलोची कढ़ाई को हाईवे कढ़ाई भी कहा जाता है। बलोची कढ़ाई को हाईवे कढ़ाई भी कहा जाता है, हाईवे स्टाइल कढ़ाई भी कह सकते हैं। बलोची कढ़ाई को हाईवे स्टाइल कढ़ाई भी कहते हैं। और हमारी माशाल्लाह इसमें अदरक और हरी मिर्ची डाल के 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया। इसके अंदर हम करेंगे, माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। और इसके अंदर हमने ऐड करना है हरा धनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें हमने हरा धनिया ऐड कर दिया। इसका लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। इसके अंदर हम गार्निश करें। हमारी बलोची कढ़ाई हो चुकी है कम्प्लीट रेडी और उसको हम करेंगे डिश आउट। फिर मिलते हैं आपसे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बलोची कढ़ाई हो चुकी है कम्प्लीट रेडी। उसको हमने गार्निश किया है हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।